गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें डाउटनेट के साथ, यहाँ पर आपको राकेश यादव व आरएस अग्रवाल की बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में समस्या है तो क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके डाउटनेट पर सेंड कर दो, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीएसटीसी 2020 के बारे में कि बीएसटीसी 2020 की नोडल एजेंसी किसे बनाया जाए। बैठक में ये चीज तय हो चुकी है और साथ ही साथ एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है। बिल्कुल आपने सही सुना, मैं इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को लाइक करने का भी नहीं बोलूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे सामने एक अखबार की कटिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ पीटीटी बीएसटीसी के लिए होगी शिक्षा विभाग की बैठक। दोस्तों, इस बात पर एक जरूर लाइक जरूर कर ले, साथ ही बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। अगले वर्ष होने वाली प्री बीएसटीसी देखिए दोस्तों 2020 के लिए जल्द ही जयपुर में बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें परीक्षा के आयोजन को लेकर नोडल एजेंसी तय होगी। इसमें शिक्षा मंत्री श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सत्र 2019-20 में 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीएससी एंड बीएड पाठ्यक्रमों के दाखिल के लिए बीकानेर के राजकीय डूंगरपुर कॉलेज को बनाई गई थी नोडल एजेंसी, जबकि बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग ने किया था। देखिए दोस्तों, 2020-19 के अंदर ऑफिशियल रूप से शिक्षा विभाग ने आयोजन किया था, अब 2020-21 में दोनों परीक्षाएं करवाई जानी है, तो इसको लेकर बैठक होगी। सीबीएसई पंजीकरण में सुधार का अवसर कल से। देखिए दोस्तों, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन ने भी इसको लेकर फैसला करवा दिया। देखिए दोस्तों, बैठक में दोनों परीक्षाओं के आयोजन सहित नोडल एजेंसी का निर्धारण होगा। अजमेर से सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय MDSU दोनों ने भी परीक्षाओं को लेकर दावेदारी रखी है। इन दोनों ने दावेदारी रखी है कि हम बीएसटीसी एंड पीटीटी 2020 की परीक्षाएं वो कंडक्ट करा सकते हैं। इसको लेकर अभी राज्य शिक्षा मंत्री श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत का फैसला आना बाकी है। देखिए दोस्तों, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो आपको इसके फैसला है वो लेट आएगा और बीएसटीसी 2020 का सत्र भी प्रभावित होगा।